हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सिविल एजु ऑनलाइन। तो दोस्तों, लेक्चर टू में हमने हाईवे डिज़ाइन के फॉर्मूले एंड कंसेप्ट डिस्कस किए थे, एंड साथ में वीडियो के लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे जिनका सॉल्यूशन भी डिस्कस किया गया था। अगर आपने लेक्चर वन एंड टू नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाले हुए हैं, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर थ्री, जिसमें हम कर्व से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व विदाउट सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि हॉरिजॉन्टल कर्व डिज़ाइन करते समय दो बातें ध्यान में रखी जाती हैं। पहली है व्हीकल ओवरटर्न ना हो, मींस व्हीकल पलट ना जाए, एंड सेकेंड व्हीकल में स्किडिंग ना हो, मींस फिसले ना। तो ओवरटर्निंग चेक करने के लिए हम B/2H वैल्यू फैक्टर यूज़ करते हैं, एंड स्किडिंग के लिए हम स्मॉल एफ फैक्टर यूज करते हैं। दोनों ही फैक्टर जो होते हैं B/2H एंड स्मॉल एफ इम्पैक्ट फैक्टर से ज़्यादा होने चाहिए। अब इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है आपको बता देता हूँ। इम्पैक्ट फैक्टर होता है P/W, मीन्स P और W का रेशियो। यहाँ पर P जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि व्हीकल पर एक्ट होती है, एंड कैपिटल W वेट ऑफ द व्हीकल है। P/W इक्वल टू V²/GR होता है, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू B/2H। B/2H इज द फैक्टर दैट इज़ यूज टू चेक द ओवरटर्निंग। तो ओवरटर्निंग एंड लेटरल स्किडिंग के से बचने के लिए दोनों ही फैक्टर इम्पैक्ट फैक्टर से ज़्यादा होने चाहिए, एंड अगर दोनों ही फैक्टर ज़्यादा हैं तो नो ओवरटर्निंग एंड नो स्किडिंग, बट दोनों कम हैं तो स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग हो सक दोनों ही होंगे। बट कौन सा पहले होगा ये हम चेक करेंगे अगर B/2H वैल्यू F से ज़्यादा है, मीन्स F कम है काफ़ी, तो पहले लेटरल स्किडिंग होगी एंड देन ओवरटर्निंग होगा। एंड अगर F ज़्यादा है B/2H से तो पहले ओवरटर्निंग हो जाएगा, एंड ओवरटर्निंग हो जाएगा तो उसके बाद स्किडिंग का तो कोई चांस ही नहीं है। अब बात करेंगे सुपर एलिवेशन की। तो सुपर एलिवेशन के लिए मैंने राइट साइड में फिगर दिखाया हुआ है। यहाँ पर कैपिटल बी रोड की विड्थ है, एंड रोड को एक साइड से होल्ड करके दूसरी साइड से थीटा एंगल पर राइज कर दिया गया है। तो यहाँ पर कैपिटल ई जो हाइट है दैट इज़ कॉल्ड सुपर एलिवेशन, एंड E/B रेशियो जो होता है वो रेट ऑफ सुपर एलिवेशन कहलाती है स्मॉल ई। तो स्मॉल ई इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू E/B, एंड यहाँ पर ई और एफ में एक रिलेशन दिखाया हुआ है E+F इक्वल टू V²/GR। V²/GR यहाँ पर इम्पैक्ट फैक्टर है, मीन्स अगर सुपर एलिवेशन और फ्रिक्शन दोनों का समेशन हम V²/GR आता है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ एक कंसेप्ट होता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का। तो अगर F को हम जीरो रिपोर्ट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में तो E जो आता है V²/GR, तो E जो होता है वो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कहलाता है। सेकेंड, अगर E को जीरो पुट कर दिया जाए तो F आएगा V²/GR। तो F जनरली हमें पता होता है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू IRC 0.15। तो यूजिंग F वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी V इक्वल टू √ ऑफ FGR। तब बात करेंगे सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक और डिज़ाइन सुपर एलिवेशन। तो डिज़ाइन सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी जो होता है उसको हम 75% ऑफ वेलोसिटी लेते हैं। तो E जो जाता है 0.75 V² / GR, तो दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन सुपर एलिवेशन, एंड इट शुड बी लेस देन ई मैक्सिमम। एंड ई मैक्सिमम की वैल्यूज़ ऑलरेडी डिफाइंड है बाय IRC इंडियन रोड कांग्रेस। तो ई मैक्स होता है 0.07 और 7% होता है प्लेन एंड रूलिंग रोड के लिए, एंड 0.07% होता है स्नो बाउंड हिली ट्रेन के लिए, एंड 0.10 या फिर 10% हिली रोड बट नॉट बाउंडेड बाई स्नो। तो ये तीन वैल्यू आपको याद रखनी होगी। एंड अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए जो स्टेप्स होती हैं, पहली स्टेप है डिज़ाइन सुपर एलिवेशन निकालना, जिसमें हम वेलोसिटी को 0.75 V पुट करते हैं, एंड V²/GR से सुपर एलिवेशन जो आता है इट शुड बी लेस देन ई मैक्स। ई मैक्स हमने मैंने लास्ट स्लाइड में बताया हुआ आपको। अगर
ई मैक्स से ज़्यादा आता है, तो हम ई मैक्स ही प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ में हमें स्मॉल एफ निकालना होता है, तो जो कि हम ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर इक्वेशन से फाइंड करते हैं। तो एफ वी स्क्वायर बाई जी आर माइनस ई मैक्स से हम एफ निकालते हैं, एंड दिस एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.15। इफ़ इट कम्स लेस देन और इक्वल टू 0.5 देन डिज़ाइन इज़ ओके। अगर ज़्यादा आता है तो हमें वेलोसिटी को रिवाइज करना होता है, मीन्स वेलोसिटी की को रिड्यूस करना होता है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग की। तो रोड पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग दी जाती है, जनरली हॉरिजॉन्टल कर्व्स पर दी जाती है। तो वाइडनिंग के लिए हम दो टाइप की वाइडनिंग यूज़ करते हैं, एक तो मैकेनिकल वाइडनिंग WM एंड दूसरा है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग WPS। तो दोनों का समीशन टोटल वाइडनिंग कहलाता है, दैट इज़ WE मीन्स एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो मैकेनिकल वाइडनिंग जो होती है वो होती है NL² / 2R। यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ लेन्स है, कितनी लेन का रोड है। तो एंड L जो है व्हीकल की लेंथ है, दैट इज 6.1 मीटर अकॉर्डिंग टू IRC दैट आई हैव टोल्ड यू इन Lecture 2। एंड R जो है वो रेडियस है कर्व की। एंड WPS जो होता है वो V/9.5√R होता है। यहाँ पर कैपिटल V जो वेलोसिटी है वो हमें KMPH में मीन्स किलोमीटर पर आवर में पुट करनी होती है, एंड R रेडियस है जो कि मीटर में है। तो दोनों ही वैल्यूज मीटर में आती हैं, एंड एक्स्ट्रा वाइंडिंग टोटल जो होती है मीटर में आती है। तो अब वाइंडिंग को प्रोवाइड कहाँ करना होता है, इनर साइड पर या आउटर साइड पर। तो अगर कर्व की रेडियस लेस देन और इक्वल टू 50 मीटर है तो हम इनर साइड में प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा वाइंडिंग, एंड अगर 50 मीटर से ज़्यादा है तो हम दोनों ही साइड में इक्वली एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अब बात करेंगे सेटबैक डिस्टेंस एंड कर्व डिस्टेंस की। तो सेटबैक डिस्टेंस क्या होती है बता दूं आपको, जब हॉरिजॉन्टल कर्व हम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी सेंटर लाइन से आप किसी ऑब्जेक्ट जो कि रोड की इनर साइड की है, इनर साइड पर है, उसकी जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड सेटबैक डिस्टेंस। एंड सेटबैक डिस्टेंस के को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, एक तो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला यूज करते हैं जो कि स्पेस पर लिखे हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट फार्मूला। तो केस वन है इफ़ एल इज़ मोर देन SSD। एल यहाँ पर लेंथ ऑफ द कर्व है एंड SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। तो अगर एल SSD से ज़्यादा है तो सेटबैक डिस्टेंस S² / 8R के इक्वल होती है। तो सेटबैक डिस्टेंस जनरली डिपेंड करती है साइड पर, साइड डिस्टेंस पर, SD पर। अगर SD लेंथ से कम है तो हम SD तक ही रहते हैं, एंड अगर SD लेंथ ऑफ कर्व से ज़्यादा है तो हमें लेंथ ऑफ कर्व LV फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करना होता है। तो सेकंड केस में आप देख सकते हो जो लेंथ है वो SD से कम है, तो फॉर्मूला जो होता है M का L इंटू 2S - L / 8R हो जाता है। एंड अब बात करेंगे रेशनल डिस्टेंस की। तो रेशनल डिस्टेंस में हम रेशनल फॉर्मूलाज, तो इसमें हम रेशनल डिस्टेंस M को रेशनल डिस्टेंस बोलते हैं, ये रेशनल फॉर्मूला है। एंड लास्ट वन वॉज अप्रॉक्सीमेट फार्मूलाज। तो इसमें हम केस वन मीन्स L इज़ मोर देन एंड इक्वल टू S, इस केस में स्मॉल m जो यूज़ करते हैं, R - R cos α/2 यूज़ करते हैं। एंड अल्फ़ा जो है यहाँ पर एंगल है जो कि कर्व के द्वारा ST डिस्टेंस के द्वारा सेंटर पर बना एंगल है, एंड अल्फ़ा इज़ S/R, एंड अल्फ़ा इज़ इन रेडियन। अगर m की प्रॉब्लम में हमें पुट करना है तो हमें याद रखना होगा अगर हम थीटा में पुट करना है कॉस के साथ अल्फ़ा, या फिर रेडियन में पुट करना है तो एंगल में पुट करना है तो हम थीटा पाई 180/π का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम सेटबैक डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एंड सेकंड केस, सॉरी, दिस फॉर्मूला वाज फॉर सिंगल लेन। अगर हम मल्टी लेन की बात करते हैं तो मल्टी लेन के लिए सेटबैक डिस्टेंस हो जाती है M = R - R - D cos α/2 हो जाती है। यहाँ पर एक नया टर्म्स आता है स्मॉल d। स्मॉल d क्या होता है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 4 लेन का रोड है
तो हम इनर जो लेन है उसकी सेंटर लाइन से ओवरऑल पूरे रोड की जो सेंटर लाइन की डिस्टेंस होती है स्मॉल डी कहलाती है। तो एम इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पर अल्फा जो है एस अपॉन आर माइनस डी होता है एंड इट इज़ इन रेडियन। एंड केस टू में एल इज़ लेस देन एस, अगर एल एस से कम है, लेंथ ऑफ द कर्व एस से कम है, तो एल फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करना होगा, तो एम हो जाएगा आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई टू प्लस एस माइनस एल बाई टू साइन अल्फा बाई टू, मीन्स एक और टर्म ऐड हो जाता है स्मॉल एम के फॉर्मूले में। एंड अल्फा जो लेते हैं इस केस में हम एल बाई आर ही लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही, आगे की वीडियोज़ में हम वर्टिकल कर्व और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।